हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं प्रशांत और आज की कविता एक स्वप्न और कल्पना की सम्मिलित रचना है। यह कविता स्वप्न में आए कुछ दृश्य और सुबह जागने पर दिखने वाले दृश्य के कुछ समान बिंदुओं, जैसे सर्दी की रात, उस सर्दी में चलने वाली शीतल हवा और हल्की बारिश की बौछार को ध्यान में रखकर रचा गया है। दोस्तों, मेरी कविता की सार्थकता आपसे और आपके पसंद से है। यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्रस्तुत है प्रेम रस से सराबोर यह कविता। आज सुबह एक सपना देखा, उस सपने में उसे अपना देखा। था मैं उसका तकदीर, वो थी मेरे हाथों की रेखा। सपना था या थी कहानी, मैं था और थी वो मेरी दीवानी। एक दूजे में इस कदर थे खोए, जैसे बरसों बाद मिलने पे रोए। अपनी प्रेमार्पित मिलन में प्रकृति ने चंचलता सी दिखाई। उस मदमस्त सर्द मौसम में शीतल शीतल हवा चलाई। उस सर्दी में गर्मी पाने को वो मेरे पास हो आई। उस स्नेह भरी आलिंगन से दूर हुई सारी तन्हाई। उस पर भी चंचल प्रकृति अपनी चंचलता से ना चूकी। अपनी बादल रूपी हाथों से पाने की बौछार है फेंकी। हमें मिलाने को प्रकृति ने क्या खूब तरकीब लगाई। उस प्रेम भरी मौसम में वो और पास हो आई। देख प्रकृति अपनी सफलता, अपनी बादल रूपी हाथ बजाई। उस सुंदर शांत मौसम में बादल जोरों से गर्राई। सुन गड़गड़ाहट बिजली की, वो मुझसे यूं लिपट गई, जैसे छुई मुई शर्माकर अपने में ही सिमट गई। उस गड़गड़ाहट से ऐसी सोर हो गई, जागा तो देखा, अरे ये तो भोर हो गई। बादल जमकर गरज रहे थे, मेघ झमाझम बरस रहे थे। सच सा लग रहा था सपना, मैं था प्रकृति भी थी। उस स्नेह भरी मौसम में थी तो बस तेरी ही कमी थी। क्या नजारे थे सपने में, अब क्या रुत है आई। हर भीड़ भरी महफिल में नजर आती है तन्हाई।